प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिया संबोधित। कया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागूकरण में विश्व भारती विश्वविद्यालय रिवेली अहम भूमिका। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में 1127 किलोमीटर लंबी 18 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 992 नवा मामला आया सामने। राज्य सरकार 31 दिसंबर री रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक लगायो कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वन स्टॉप शॉप प्रणाली डीएमआईसी और उद्योग से जुड़िया मुद्दारी करी समीक्षा। कया प्रदेश का लोगों ने रोजगार मुहैया करावण सारों निवेश लियाणो सरकार री प्राथमिकता। एसीबी बनारा निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने घूस मांगण रा आरोप में करियो गिरफ्तार। पाछला दणा कलेक्टर आ पीए ने घूस लेवता एसीबी करियो हो गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपका स्वागत है। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करिया। इन मौके प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय खातर गुरुदेव री सोच और दूरदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत रो सार बतावता इनने दुनिया रा कल्याण और समृद्धि रो मार्ग बतायो। प्रधानमंत्री कया के भारत सौर ऊर्जा रो प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण रो कार्य करियो है और पेरिस जलवायु समझौता रा लगस हासिल करण माय लाग्योड़ा है। विश्व भारती इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे लिए भी ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। अनेकों विश्व प्रतिष्ठित गीतकार, संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अनेकविध प्रतिभाएं देने वाली विश्व भारती नूतन भारत के निर्माण के लिए नित नए प्रयास करती रही है। इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 50,000 करोड़ रुपया की लागत से 22 नवी राजमार्ग योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। राजस्थान में वे 8,500 करोड़ रुपया की लागत वाली 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं की लंबाई 1127 किलोमीटर है। इन मौके राजस्थान रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहले रे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 8500 करोड़ रुपए की लागत वाली 1127 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। इस परियोजना से बेहतर संपर्क सुविधा और राज्य में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अवसर पर मौजूद थे। नितिन गडकरी ने इस मौके पर 50,000 करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने DPR इसके बनाने का काम शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका DPR फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी DPR बना रहे हैं। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। और सिरसा से चुरू तक 143 किलोमीटर, दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, रास से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर, सांगरिया से केचिया 75 किलोमीटर, बायमेर बाईपास 22 किलोमीटर, साचौर से धनेरा 12 किलोमीटर और अलवर से नुए जो 40 किलोमीटर। ये टोटल 22 प्रोजेक्ट करीब 3000 किलोमीटर के है और इसमें 50,000 करोड़ की लागत लगेगी और ये प्रोजेक्ट हम अगले साल शुरू करना चाहते हैं। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में परियोजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास करिया। कार्यक्रम में दौसा सु कोथून ताई कोई 80 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रो भी लोकार्पण करी जियो। बहुत बड़ी सौगात, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और जिस रोड का उद्घाटन किया है ये अपने राजस्थान के दौसा को मिली है। और आपने मंत्री जी का भाषण सुना है कि दौसा से दूदू जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो भी उन्होंने स्वीकृत कर दी है। तो रोड सेक्टर में राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बन जाएगा ऐसा मेरा सोचना है। और माननीय विधायकगण मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो भूमि अधिग्रहण में भी देरी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। बैठक पछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत बताया कि सरकार अनुसूचित जाति रा छात्रा ने 59,000 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देवन रो फैसलो करियो है। वे बताया कि 25 दिसंबर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री अगली किस्त भी जारी करी जावेली। वे जानकारी दी कि बैठक में 4 फिल्म संस्थाओं रो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलयकरण रो भी फैसलो करियो गयो है। ऐतिहासिक निर्णय लिया है और अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड़ रुपए सालाना एवरेज 2-3 साल का निकाला है देते थे और अब देंगे सीधा सीधा 5 गुना बढ़ा करके। और ये 5 गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5,000 करोड़ की धनराशि से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्यों को देंगे। 5 साल का एवरेज हमने निकाला है, 59,000 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगी, उसमें से केंद्र का हिस्सा 35,534 करोड़ होगा। ये DBT पद्धति से छात्रों के सीधे अकाउंट में जाएगी। राज्य सरकार से हम छात्रों की सूची मंगाएंगे, उनकी सूची और अकाउंट नंबर आने के बाद हम राज्यों से कहेंगे कि वो 40% धनराशि उनके अकाउंट में डालें और जैसे ही वो धनराशि डालेंगे केंद्र सरकार तुरंत उसमें इस प्रकार की जो राशि बनती है केंद्र से वो उनके अकाउंट में डालेंगे। DTH जो सेवा देते हैं तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजट में वाणिज्य मंत्रालय ने 100% FDI की बात निर्णय पहले ही किया था, लेकिन हमारे INB की गाइडलाइंस के कारण इस क्षेत्र को 100% FDI का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आज के निर्णय से ये गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही
गाइडलाइन अब यहाँ रहेगी, जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है और इस क्षेत्र को भी 100% FDI में के लाया है। फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इन चारों संस्थाओं का NFDC में विलय करने का निर्णय हुआ है। लेकिन सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म्स डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो NFI काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ। ये 2014 में समाप्त हुआ, हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज़्यादा मुदत दी 3 साल, फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि वर्ष शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। प्रदेश में कई दिनासू लगातार हो रही गिरावट पछे काल एक फेरू कोरोना संक्रमिता री गिनती बढ़की। राज्य में 992 नवा संक्रमित सामे आया है। इनमें सबसे बत्ता 168 संक्रमित जयपुर में मिलिया है। इनके अलावा कोटा में 104, जोधपुर में 78, उदयपुर में 51, अजमेर में 45 और भीलवाड़ा में 42 संक्रमित मिलिया है। इन्हीं बीच कोरोना से 8 और लोगों की मौत वेगी। इनके साथ ही अभी तक इन बीमारी से 2642 लोगों की मौत वे चुकी है। हाल तक 287,000 से बत्ता लोग बीमारी से ठीक हो चुका है। प्रदेश में नवा बरस रो जश्न घर में ही मनानो वेलो। राज्य सरकार COVID-19 महामारी ने देखता 31 दिसंबर रात 8 बजे से 1 जनवरी 2021 सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दियो है। गृह विभाग इन बाबत काल आदेश जारी करया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही प्रदेशवासियों से नव बरस अपना घर ही परिवार रे साथ मनावन री अरज करी ही। भरतपुर जिला में कोरोना संक्रमण ने लेर प्रशासन लगातार लोगों ने जागरूक करियो है। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर अभियान चलार लोगों ने मास्क बांटिया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल लोगों से मास्क सही तरीका से पहनन और कोरोना गाइडलाइंस री पालना करन री अरज करी। कोरोना वायरस का संक्रमण फैल ही रहा है, यद्यपि सरकार के प्रयासों से और आम जनता के सहयोग से इसके हमने काफ़ी नियंत्रण पा लिया है, फिर भी अभी और प्रयासों की जरूरत है। इसी श्रृंखला में आज हमारा एक संगठन है यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटियों का राज्य फाउंडेशन, इस फाउंडेशन बड़े युवाओं का संगठन है और इस हमें मिलजुल करके आज समझाइश करके लोगों को मास्क लगवाए। मुझे विश्वास है कि इस तरह के संगठन जब ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि राजस्थान में देश और दुनिया रा निवेशका ने आकर्षित करण री हर क्षमता मौजूद है, अठे जरूरत है तो बस माकूल माहौल तैयार करण री। मुख्यमंत्री काल जयपुर में प्रदेश में निवेशका री सुविधा खातर लियाएगी वन स्टॉप शॉप प्रणाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और उद्योग से जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा करी। इन मौके वे कया के प्रदेश रा लोगों ने बत्ताऊ बत्तो रोजगार मुहैया करावन सारू निवेश लियाणो सरकार री प्राथमिकता है। वे अफसरा ने निवेश वास्ते नुवो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण ने कया। चूरू जिला रा प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी एहलकारा सु कया है कि वे राज्य सरकार री न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजनावां री जानकारी ज्यादा ज्यादा लोगों तई पुगावे। उच्च शिक्षा मंत्री चूरू जिला परिषद में राखी जी जिला स्तर रा अफसरा री बैठक में COVID-19 महामारी से उपजिया हालात माथे चर्चा करी। वे CMHO ने वैक्सीन लगावन सारू जिला में कोल्ड चेन केंद्रा री व्यवस्था बाबत भी निर्देश दिया। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और जहाँ से भी जो शिकायत आई है उन शिकायतों पर्टिकुलर किसी भी गांव की, किसी भी स्थान की या किसी भी कार्य की जो भी शिकायत आई है, चाहे भ्रष्टाचार की शिकायत हो, उसकी जांच करवाने के लिए हमने ADM साहब को निर्देश भी दिए हैं और जो विभाग से संबंधित जो अधिकारी है उनसे भी कहा है
कि किसी भी तरह की कोताही कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति का हक यदि उसका मारा जाता है, उसका हक यदि हक से यदि उसको वंचित रखा जाता है तो ये निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की नादरशाही, असंवेदनशीलता और उसके कारण से हर महकमे में, चाहे वो महकमा जनता से जुड़ा हो, बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा हो, श्रम का महकमा हो, सड़कों का मामला हो, और तो और खुद स्वीकार करना पड़ा कि जुलाई के बाद एक भी पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ते में पंजीकृत जो 63,000 लोग है उसमें 5,000 को बता दे रहे हैं वो भी अक्टूबर से बंद है। यानी सारी बातें सिद्ध करती है कि जिले में कोपाबाई का राज है, ना कोई काम है ना कोई काज है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया के प्रदेश में बालिका लिंगानुपात बढ़ावन वास्ते मोटा पैमाना माथे अभियान चलायो जावेलो, जेमा राज्यभर सोनोग्राफी सेंटर्स री जांच भी करी जावेली। चिकित्सा मंत्री काल जयपुर में पीसीपीएनडीटी री राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड री बैठक में बताया कि प्रदेश में कोई ऑपरेशन बढ़ायो जावेलो ताकि जन्म से पहले अवैध भ्रूण लिंग जांच माथे रोक लगाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश सरकार सु करसारी कर्जा माफी रे नाम माथे छलावो निकरण ने कया है। वह कया के पहली री भाजपा सरकार करसारा 8,000 करोड़ रुपया रा कर्जा माफ करया हा, जबकि हाल री कांग्रेस सरकार ऐलान करया पछे भी करसारा कर्जा माफ नहीं कर रही है। डिफॉल्टर किसान ने हाल भी डिफॉल्टर ही मान्यो जा रियो है। राजस्थान में कृषक ऋण माफी को आंकड़ों के मकर जाड़ में इतना उलझा दिया कि जो बेचारे किसान हैं वो ठीक तरीके से सरकार की गणित को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वायदे संपूर्ण कर्जा माफी के किए, लेकिन सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को जो ऋण दिया जाता था, परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इसी तर्ज पर 30 लाख किसानों को लगभग 8,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। इन्होंने भी ये दावा किया है कि 7,000 करोड़ का कर्जा हम लोगों ने माफ किया, लेकिन आज भी जो डिफॉल्टर सूची के किसान हैं वो आज भी इनकी नजर में डिफॉल्टर हैं और इस वजह से उन किसानों को कर्जे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी रा अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर में राज्य सरकार रा 2 बरस पूरा होवन माथे विरोध प्रदर्शन करिया। मोर्चा रा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान री अगुवाई में कार्यकर्ता रैली काडर भाजपा कार्यालय सु सिविल लाइन्स फाटक पुग्या। अठे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदाय री अनदेखीकरण रो आरोप मरता थका राज्य सरकार रे खिलाफ नारा लगाया। ये अपने जो सबसे ज्यादा जो इनका पक्का वोटर है, जो 95% माइनॉरिटी जो इनको पोल करता है, आप यकीन जानिए कि अगर इन चुनाव में माइनॉरिटी का 82% पोल नहीं होता तो ये पिछले चुनाव की तरह 21 सीटों पर सिमटते। 95% माइनॉरिटी ने पोल किया है इनके लिए और उसके बावजूद पिछले 2 साल में इन्होंने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करी है, हायर एजुकेशन के लोन इन्होंने बंद कर दिए। उसके अलावा केंद्र सरकार से जो पैसा इनके पास आया है उनको ये खुद के नाम से पिछले 1 साल से बांट रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने वो सारा पैसा इनको भेजा है। वक्फ बोर्ड की कम से कम 270 प्रॉपर्टीज के ऊपर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिसमें 69 प्रॉपर्टीज पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित की है। वसुंधरा जी के बाद से इन्होंने कोई मदरसा पैरा टीचर्स का नियमन नहीं किया है, ना मदरसों में ये खेल सामग्री और शिक्षा सामग्री बांटी है। हमारी जो माताएं बहनें आज पहली बार अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ में रोड पर आई हैं, उनका कारण यह है कि अल्पसंख्यक समाज का यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने शोषण किया है, 2 साल के अंदर जिस तरह से अन्याय हमारे समाज के साथ हुआ है, जो बोर्डों का गठन इनके द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि अगर बोर्ड बन जाएंगे तो गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, आज तक कोई गतिविधियां शुरू नहीं हुई, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज झुंझुनू में प्रदेश सरकार रा 2 बरस रा कार्यकाल री उपलब्धियां माथे आधारित प्रदर्शनी रो उद्घाटन करिया। इन मौके पर अफसरा ने सरकारी योजनावारी जानकारी आम लोगों तक पुगावण ने कया। उच्च शिक्षा मंत्री अठे कोरोना जागरूकता रथ ने भी हरी झंडी दिखार रवाना करिया। जन घोषणा पत्र, कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है उसको नीतिगत दस्तावेज का दर्जा पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिया और 501 में से 251 वादे 2 सालों में
सरकार ने पूरे किए हैं जन घोषणा पत्र के अनुसार। राजस्थान के करीब 20.85 लाख किसानों का 8,000 करोड़ का फसली ऋण माफ किया गया। चूंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि किसानों का, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और उसी दिशा में कदम उठाते हुए एक साल की बजाय पहले एक महीने में राजस्थान के तमाम हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के जितने भी किसान थे उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काल बारारा निवर्तमान जिला कलेक्टर और IAS अधिकारी इंद्र सिंह राव ने घूस मांगनरा आरोप में गिरफ्तार कर लियो। 9 दिसंबर ने ACB कलेक्टर PA महावीर नागर ने 1,40,000 रुपये घूस लेवता पकड़ियो हो। पूछताछ में वे कयाहा का वो रकम वे जिला कलेक्टर वास्ते ली ही। ACB रा पुलिस महानिदेशक BL सोनी बताया कि आरोपी कलेक्टर रा कोई एक दर्जन ठिकाना री तलाशी में करोड़ों रुपये की संपत्ति रो खुलासो भी है। 9 दिसंबर को 12 कलेक्टर के PA को 1,40,000 रुपए की रिश्वत परिवादी से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तब से अनुसंधान में तत्कालीन जिला कलेक्टर इंदर सिंह राव जो IAS अधिकारी हैं उनकी भूमिका के बारे में अनुसंधान हो रहा था। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर ACB द्वारा इंदर सिंह राव को कल गिरफ्तार किया गया है और उनके कई ठिकाने हैं, कई करीब एक दर्जन के करीब उनके मकानों की अचल संपत्तियों की जानकारी मिली है। तो वहां पर कुछ जगह तलाशी कल की गई थी, कुछ जगह तलाशी आज की जा रही है। 9 दिसंबर को जब PA का ट्रैप हुआ था उस दिन कलेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आया था। तब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था। इस टीम ने पिछले 14 दिन से काफ़ी स्टेटमेंट्स, ओरल स्टेटमेंट्स लिए और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया और जो सरकमस्टेंसेज जो थे एनालाइज किया, उस बेसिस के आधार पर कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। हनुमानगढ़ जिला में घरे घरे पीवन रो साफ पानी मुहैया करावन वास्ते चलाया जा रहा जल जीवन मिशन री पहली बैठक काल पूरी हुई। जिला कलेक्टर री अध्यक्षता में राखी बैठक में सगला विभागारा एहलकार मौजूद हा। बैठक में सरकार री योजनावान लागूकरण और कई प्रशासनिक मंजूरियां मत है चर्चा भी। योजनाएं हैं उनका जो है वो सुपरविजन और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उसका मेन उद्देश्य यही था। मेन जो है इनका आज जैसे CEO साहब भी पधारे तो उनका ग्राम पंचायत लेवल पे VWSC यानी कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमीशन कमेटी का जो गठन होना है तो उनके बारे में ये चर्चा की गई है। और इसके तहत जो जल जीवन मिशन है उसमें 2024 तक हर घर में जल कनेक्शन कार्यशील जो है वो देने का प्रावधान है। इसके तहत हमने योजनाएं बना करके भेजी हैं जिसमें से अपने हनुमानगढ़ जिले की 12 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। जयपुर पुलिस री निर्भया स्क्वाड टीम आज जयपुर सेंट एंड्रयू चर्च में क्रिसमस मनायो। अठे टीम रा सदस्य सांता क्लॉज रो रूप धरर लोगों ने कोरोना महामारी रे दौरान गाइडलाइंस रो पालन करन रा निर्देश दिया, संदेश दिया। हम लोग आज आप सभी को ये संदेश देने आए हैं, ये निर्भया स्क्वाड जो हमेशा काम करती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, आज ये संदेश देने आई है जन जन को कि हम क्रिसमस पर पुनः ये समर्पण देते हैं आपको और ये वचन देते हैं कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों को बाल शोषण से मुक्त कराने के लिए, बुजुर्गों को शोषण से मुक्त कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल में चल रहा 3 दणा रा क्रिसमस एंड न्यू ईयर फिएस्टा रा तीसरा दण आज बच्चा ने सांता क्लॉज उपहार बांटिया। स्कूल री प्राचार्य प्रतिमा शर्मा बताया कि कोरोना रा दौर में सगला बच्चा ने माता पिता स्कूल लेर आ रहा है और गाड़ी में ही बच्चा ने क्रिसमस री बधाइयां दी जा रही है। कार्यक्रम रो उद्देश्य छोटा बच्चा ने स्कूल से परिचय कराना है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बच्चों को स्कूल तो बुला नहीं सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग और उन सब के अलावा हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति,
तो बच्चों की उदासी को दूर करने के लिए कुछ ऐसा करना था कि बच्चे स्कूल को देख भी लें, महसूस भी कर लें, खुश भी हो जाए और कोविड प्रोटोकॉल की का उल्लंघन भी ना हो। तो ये 3 दिवसीय एक ड्राइव थ्रू फिएस्टा रखा गया जिसके तहत बच्चे अपने माँ बाप के साथ गाड़ियों में 2 व्हीलर्स पे आ रहे हैं। 3-3 मीटर की दूरियों पे गाड़ियों को रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की है। बच्चे गाड़ियों से नहीं उतर रहे और टीचर से वो वहीं गाड़ी के माध्यम से ही मिल रहे हैं, गाड़ी में ही मिल रहे हैं। आओ अब बात करें अपनी और दूजारी हिफाजत री। कोविड 19 से बचाव वास्ते डीडी न्यूज कानी सू एक खास अभियान चलायो जा रियो है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए। प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का दौर जारी है। आज सब कम पारो माउंट आबू में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जियो। चुरू में 4.8, पिलानी में 4.9, सीकर और गंगानगर में 6-6, भीलवाड़ा में 6.5, उदयपुर में 7.2, अलवर में 8, राजधानी जयपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करी जियो। मौसम विभाग रो अंदाजो है कि कठे कठे बादल मंडिया रहेला और पारो स्थिर बनियो रह सके है। कोविड 19 से बचाव वास्ते देश भर में सावचेती अभियान चल रियो है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई हैं एहतियाती उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज बुरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज बुरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया पर चर्चा आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर हमारा ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो भी कर सको हो। आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय रा शताब्दी जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए करिया संबोधित। कया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागू करण में विश्व भारती विश्वविद्यालय री वेली अहम भूमिका। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राज्य में 1127 किलोमीटर लंबी 18 सड़क परियोजना रो करिया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 992 नोवा मामला आया सामे। राज्य सरकार 31 दिसंबर रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक लगायो कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वन स्टॉप शॉप प्रणाली DMIC और उद्योग से जुड़िया मुद्दारी करी समीक्षा। कया प्रदेश रा लोगा ने रोजगार मुहैया करावण सारो निवेश ल्याणो सरकार री प्राथमिकता।
एसीबी बारारा निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने घूस मांगण रा आरोप में करियो गिरफ्तार। पाछलादाणा कलेक्टर अपीए ने घूस लेवता एसीबी करियो हो गिरफ्तार। इंद्र साथियों समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा नमस्कार।